दोस्तों वो एक चीज़ जो हम इंसानों को हमारे प्लैनेट पे मौजूद बाकी सभी स्पीशीज से अलग बनाती है वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन। लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रेन सिर्फ हम इंसानों के पास ही है। अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को इग्नोर कर दें तो ऑलमोस्ट सभी मिलियंस ऑफ स्पीशीज के पास ब्रेन है। और इतना ही नहीं बल्कि अफ्रीकन एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी हमसे ज्यादा हैं। फिर आखिर ऐसा क्या स्पेशल है हमारे ह्यूमन ब्रेन में जिसकी वजह से हम इन सभी स्पीशीज से काफी आगे हैं? और बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम साथ में मिलकर इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वेल गाइस, न्यूरो इमेजिंग एक टेक्निक या मेथड है जिसके हेल्प से हम ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझ सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूरो इमेजिंग हमारे ब्रेन की इंटेलिजेंस और पर्सपेक्टिव इस बात पे डिपेंड करती है कि ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन का पाथ रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंटेलिजेंस के लिए। अगर हम थोड़ी डीपली एनालिसिस करें तो दो ऐसे फैक्टर्स हैं या दो ऐसे काम हैं जो ह्यूमन ब्रेन बड़ी आसानी से कर सकता है एक शॉर्ट इंटरवल प्रैक्टिस के बाद, लेकिन वही काम अर्थ पे मौजूद कोई दूसरा स्पीशीज नहीं कर सकता है ऑन डेट लेवल, क्योंकि उनका ब्रेन उस तरीके से डिजाइन नहीं है। हम इंसानों के एवोल्यूशन का जो टाइम लाइन रहा है वो अप्रोक्स 9 मिलियन ईयर्स मतलब 90 लाख सालों का रहा है फ्रॉम द टू एक्सटेंट स्पीसीज चिंपैंजी एंड बोनोबो। और हमारी एवोल्यूशन कुछ ऐसी रही है कि टाइम के साथ हमने बहुत ज्यादा बदला है खुद को और मॉडर्निटी के तरफ ध्यान दिया है। कहने को तो हमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ साल लग गए अर्लियर एप्स से आज के इंसान बनने में, लेकिन ये नंबर एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है अगर हम कॉस्मोलॉजिकल स्केल को देखें या दूसरे स्पीसीज से कंपेयर करें, राइट? अब आइए समझते हैं कि आखिर कौन सी वो दो स्पेशल फीचर्स हैं जो हम इंसानों को बाकी सभी स्पीसीज से अलग बनाती है। सो फीचर नंबर 1 इज कॉग्निटिव थिंकिंग। कॉग्निटिव वर्ड का यूज किया जाता है किसी भी ऐसे मेंटल प्रोसेस के लिए जिसमें क्रिएटिव चीजें इन्वॉल्व्ड हो, जैसे कोई इंसान किसी भी चीज को याद कर सकता है, किसी दूसरे इंसान या ऑब्जेक्ट के बारे में जज कर सकता है, अपने लाइफ के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, नई लैंग्वेजेस सीख सकता है, किसी भी सिचुएशन के रिलेटेड खुद की एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकता है। आप बहुत इजीली अपना एक ट्रेवल टूर या रूटीन प्लान कर सकते हो, आप किसी भी चीज के बारे में इमेजिन कर सकते हो। मतलब ये जो ब्रेन के हायर लेवल फंक्शंस हैं, क्या ये फंक्शन बिल्कुल वैसे ही जानवर में काम करते हैं जैसे हम इंसानों में? और इस सवाल का जवाब आप खुद पता कर सकते हो। और ये जो आपकी जवाब पता करने की एबिलिटी है और जवाब जानने की जो क्यूरियोसिटी है, ये भी तो आपको दूसरे स्पीशीज से डिफरेंट बनाती है, है ना? एंड द सेकेंड स्पेशल फीचर ऑफ आवर ब्रेन इज द पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल। चलो एक वक्त के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि जानवर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं, लेकिन आखिर उस क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का क्या फायदा अगर वो उसे किसी के साथ शेयर ना कर पाए? क्या वो सारी माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक बातें जो आज आप जानते हो, वो सारी बातों को आपने खुद से डिस्कवर किया है? नहीं ना, लेकिन फिर भी आप उन सारी चीजों को जानते हो, राइट? क्यों? क्योंकि वो बातें आपको इस तरीके से समझाई गई हैं जिसे आप इजीली समझ सको। उन सारे डिस्कवरीज, ट्रिक्स और मेथड्स के बारे में आप इसलिए जानते हो क्योंकि जिन्होंने इसे डिस्कवर किया वो इजीली दुनिया को ये समझा पाए कि उनके दिमाग में ऐसी कौन सी क्रिएटिव थिंकिंग चल रही है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे ले जा सकती है, राइट? इन दो फैक्टर्स के अलावा भी एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है जो हम इंसानों को बाकी स्पीसीज से अलग बनाती है। सो गाइस, ये है हम इंसानों की विशेषता जिसने हमें अर्थ पे मौजूद बाकी स्पीशीज से आगे रखा है। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ पे मौजूद दूसरे जानवर भी एक लिविंग बींग है, उनकी भी अपनी एक लाइफ है, उनके अंदर भी इमोशंस होती हैं, उन्हें भी पेन होता है, और नेचर के लिए तो हम सब बराबर हैं, उनके लाइफ की भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई बातें आपको समझ आई होंगी और जरूर कुछ नया सीखने मिला होगा। एंड नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो, दैट्स व्हाई। ओके, बाय एंड जय हिंद।